जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की होल पावर एन. ठीक है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की होल पावर एन. अभी हमने जो जनरल टर्म की बात की थी वही है ये, बस अब इसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं. लिख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमें. तो अभी हम लोगों ने बात की थी उसको फिर से एक बार मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ. ए प्लस बी की होल पावर एन का एन सी जीरो ए टू द पावर एन एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इन टू बी एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर. बीच में एक जनरल टर्म पड़ता है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर. तो जनरल टर्म को हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है जनरल टर्म. इसी से हम सारे फॉर्मूले या सारे टर्म बना सकते हैं. कैसे देखते हैं यहाँ पर, देखो टी आर प्लस वन, जनरल टर्म को हम टी आर प्लस वन से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला होगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर. ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर. अब जरा देखते हैं कैसे बनेगा. जरा आर की वैल्यू ज़ीरो रखो. जैसे ही तुम यहाँ पर आर की वैल्यू ज़ीरो रखोगे तो आर की वैल्यू ज़ीरो रखने से क्या ये टर्म बनेगा क्या. देखो आर की वैल्यू ज़ीरो रखो, एन सी जीरो ए टू द पावर एन और बी टू द पावर ज़ीरो. जैसे ही आर की वैल्यू वन पुट करोगे सेकेंड टर्म बन जाएगा. यही तो बात हो रही ना, पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है. जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ कि आर की वैल्यू ज़ीरो पुट किया मैंने, तो ये टर्म फर्स्ट हो गया ज़ीरो प्लस वन वन. तो एन सी ज़ीरो ए टू द पावर एन, आर की वैल्यू वन पुट किया तो वन प्लस वन टू हो गया. तो सेकेंड टर्म क्या बन गया, एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इन टू बी. फिर आर की वैल्यू टू पुट कर दिया तो थर्ड टर्म आ गया टू प्लस वन. यहाँ पर टू, यहाँ टू पुट करेंगे तो टू प्लस वन थ्री हो गया. तो यहाँ पर क्या हो गया, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर. तो ये ध्यान रखना कि जब यहाँ पर थ्री है तो यहाँ टू आ रहा है, जब यहाँ टू है तो यहाँ वन आ रहा है. सिमिलरली जनरल टर्म का ये फार्मूला, तो हमें इसी को याद रखना है कि जनरल टर्म का फार्मूला टी आर प्लस वन इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर. ये है जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन. अब चाहे वो ए प्लस बी हो या ए माइनस बी भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ बी दिख रहा है वहाँ पर हम माइनस बी की होल पावर आर रख देंगे. अभी क्वेश्चन करेंगे जिसमें बी नहीं आएगा, प्लस का माइनस का आएगा, तो फिर माइनस रख देंगे वहाँ पर, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. तो ये जनरल टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा. अब जरा देखते हैं इस जनरल टर्म का यूज क्या है. जैसे हमें कोई क्वेश्चन एक ले लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस जनरल टर्म का क्या यूज है, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं जनरल टर्म. जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन उन्होंने दिया है कि एक बाइनोमियल टर्म दे दिया और उसका कह दिया 15 टर्म बताओ क्या होगा, या 18 टर्म बताओ, 38 टर्म बताओ. या तो हम एक सारा का सारा एक साथ लिखें और नहीं तो फिर इसको सॉल्व करें पूरा का पूरा. तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे.
क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 13th टर्म, फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ फाइंड द 13th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 9x माइनस 1/3 अंडर रूट एक्स होल पावर 18। अब जैसे इसका उसने कहा है कि 13 टर्म बताओ, तो हम या तो पूरी सीरीज लिखना स्टार्ट करें फिर उसमें 13 टर्म को देखें, या तो हमारे पास एक फार्मूला है अभी जो हमने जनरल टर्म का पढ़ा कि अगर ए प्लस बी की होल पावर एन है तो टी आर प्लस वन होता है एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ए की वैल्यू क्या है अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो ये ए है और ये बी है, तो ए जहाँ दिखेगा वहाँ 9x रखूँगा, जहाँ बी दिखाई देगा वहाँ पर मैं 1/3 अंडर रूट एक्स पुट करूँगा। तो टी हमें कौन सा चाहिए, 13 टर्म, तो 13 टर्म का मतलब हो गया टी आर प्लस वन के फॉर्म में होना चाहिए, तो टी 12 प्लस 1 चाहिए, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 13 टर्म का मतलब हुआ। पहले टी आर प्लस वन का फॉर्मूला रखा, एन सी आर फर्स्ट वाले की होल पावर एन माइनस आर और सेकेंड वाले की होल पावर आर, और आर की वैल्यू क्या पुट कर दिया 12, क्योंकि अगर हमें 13 टर्म चाहिए तो इसका मतलब आर की वैल्यू 12 पुट करोगे। अब ये मत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है कि जैसे एपी में होता था कि 13 चाहिए तो एन की जगह पे 13 पुट करते थे तो 13 टर्म आता था, यहाँ पर क्या है एक कम होगा क्योंकि फार्मूला ही टी आर प्लस वन का बना हुआ है। यहाँ एक यहाँ पर गलती हो जाती है, उस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब भी वो 13 टर्म कहेगा मतलब आर की वैल्यू 12 रखोगे तभी 13 टर्म मिलेगा, तो आर की जगह हमने 12 रख दिया यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा टी 12 प्लस 1 और क्या फार्मूला बन जाएगा एन सी आर, तो एन की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, एन की वैल्यू 18 है, तो एन सी आर तो 18, सी आर और आर की जगह पे 12, फर्स्ट वाले की होल पावर एन माइनस आर तो 18 माइनस 12 और सेकेंड वाले की होल पावर यानी बी क्या है 1/3 अंडर रूट एक्स उसकी होल पावर 12। तो मैंने क्या किया, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला था वो पुट कर दिया और उसके बाद वैल्यू जो है सॉल्व करके वैल्यू पुट कर दिया 13 टर्म का, 13 टर्म। तो फिर से एक बार देख लेते हैं इसको, एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार और। हमारे पास जब भी कभी वो बहुत बड़ा टर्म पूछेगा, 50th टर्म, 18th टर्म, 80th टर्म, तो हम क्या करेंगे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और ए प्लस बी की होल पावर एन से हम कंपेयर करेंगे, उससे हम ए ढूंढेंगे क्या है, बी ढूंढेंगे और एन ढूंढेंगे। तो ए की वैल्यू हो गई 9x, बी को विद साइन लेना है अगर माइनस में आता है तो 18c12। अच्छा ये फाइनल आंसर है, ओके अभी चेक कर ले, 9 की पावर भी तो, अच्छा 9 कट हो रहा है क्या, चलिए अभी चेक कर लेते हैं। तो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर, तो 18c12 9x की होल पावर 18 माइनस 12 और माइनस 1/3 रूट एक्स होल पावर 12। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो 18c12 की भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 9 टू द पावर 18 माइनस 12 6, सी 12 हमारा आंसर हो गया, बिल्कुल सही है आपका। बस 18c12 की वैल्यू हमें निकालनी है।
नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। आंसर भी मैं बता देता हूँ क्या है। 18564, चेक कर लेना, यही आएगा। कैलकुलेशन है बस तगड़ा वाला, बाकी कुछ भी खास नहीं है। तो जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कोई जनरल टर्म बताओ या फिफ्थ टर्म बताओ, सेवेंथ टर्म बताओ, या कभी कभी वो कोई टर्म दे देंगे और कहेंगे फिर दूसरे की वैल्यू बताओ, तो फिर हमें इसको इसी मेथड से करना पड़ेगा। पहले जनरल टर्म निकालें और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें भी ज़रा आप बताएं। हेलो हेलो सर, हाँ जी बताइए। सर तो हम 18C12 ही रखते तो नहीं चलेगा, या फिर नहीं फाइनल नहीं आंसर देना हो? नहीं 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 क्योंकि सब्जेक्टिव में क्या होगा, वो पूरा सॉल्व करके देना पड़ेगा हमको आंसर। और अगर ऑब्जेक्टिव का है तो फिर तो 18C12 दिख रहा तो टिक हो जाएगा, नहीं है तो फिर उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, है कि नहीं। ओके सर, चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसका आप आंसर बताएं। फाइंड द सेवेंथ टर्म, फाइंड द सेवेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 -5/2x^9। इसको आप एक बार ट्राई करें और देखें, इसका पूरा आंसर भी निकालना है। चलिए मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, बाकी लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहे, जिनको आइडिया नहीं हो रहा उनको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हमारे पास ये, इसको हम कंपेयर करते हैं a+b की होल पावर n से, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है 4x/5, और b की वैल्यू क्या आ जाती है 5/2x, वो भी माइनस साइन के साथ। a+b की होल पावर n से कंपेयर कर रहे हैं, a की जगह पे जो पहला टर्म है और जो दूसरा टर्म है वो विद साइन लेना है, प्लस होता तो प्लस के साथ, माइनस होता तो माइनस के साथ, और एन की वैल्यू क्या है 9, और इन्होंने पूछा है सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ का मतलब हम उसको r+1 के टर्म में रखते हैं, क्योंकि अभी हमने जनरल टर्म का फार्मूला देखा था tr+1 के टर्म में था, तो सेवेंथ का मतलब हो गया 6+1, तो r की वैल्यू क्या मिल गई हमको यहाँ से। इसको अगर मैं tr+1 से कंपेयर करूँगा तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, आर की वैल्यू 6 आ गई, एन की वैल्यू 9 आ गई, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ये सारी वैल्यूज उठा के जनरल टर्म वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर और बी टू द पावर आर। 10500 ओनली, कोई भी एक्स का टर्म नहीं बचा। अच्छा जी, चेक करिए और चेक करिए। ओके ओके, चलिए चेक कर लेते हैं।
होल पावर में रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। n9c6 4x अपॉन 5 की होल पावर 9 माइनस 6 और b जो है वो 5 अपॉन 2x की होल पावर r है, तो वो 6 हो जाएगी। तो साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 9 माइनस 6 तो 3 आएगा x की पावर, और नीचे x की पावर 6 आएगी, तो फिर x क्यूब तो बचना ही बचना। चेक करिए भाई, 9 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 अपॉन 5 की होल पावर 3 x टू द पावर 3 माइनस 5 बाई 2 की होल पावर 6 और x टू द पावर 6। तो अब यहाँ से साफ साफ दिख नहीं रहा कि x की पावर x क्यूब से x 6 जाएगा, तो अपॉन में x क्यूब तो बचना ही बचना है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 क्यूब 64, 5 125, 5 टू द पावर, अच्छा एक मिनट, ये 5 की पावर 6 तो कट होने वाली है भाई, तो हम इसको क्यों इस तरह लिखें, फिर हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं पूरा। ये 2 टू द पावर 2 होगा तो 6 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 3 है, और यहाँ 5 टू द पावर 6 है, और यहाँ 2 टू द पावर 6 है, और x टू द पावर 3 अपॉन में बचेगा, ये तो पूरा कट हो जाएगा। नहीं, अभी भी कुछ गड़बड़ है। 10500 तो आएगा ही आएगा। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इनटू में, अच्छा अपॉन में एक्स क्यूब है और इनटू में 5 टू द पावर 3 है। इसको आप सॉल्व करें देखें, 10500 तो आएगा और अपॉन में एक्स क्यूब आएगा, बस अपॉन में एक्स क्यूब नहीं था, बाकी करेक्शन था, पूरा सही था। मतलब नाइन सी सिक्स और 125 अपॉन एक्स क्यूब, बिल्कुल सही है, आपका भी एकदम सही है, बस लेकिन 9c6 की वैल्यू हमें और निकालनी है। चलिए, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि कोई भी टर्म निकालना हो, जनरल टर्म, तो फिर हम निकाल सकते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन आता है मिडिल टर्म का, कि मिडिल टर्म की वैल्यू बताइए, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं उसके लिए भी लिख लेते हैं फार्मूला। वैसे तो मिडिल टर्म डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन चलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में वो फार्मूला पूछ लेते हैं, तो फिर हमें पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है मिडिल टर्म, इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी होल पावर एन, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं मिडिल टर्म के बारे में। केस फर्स्ट ले लेते हैं इसमें, केस फर्स्ट, अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होता है। व्हेन एन इज इवन, एन अगर इवन, अगर एन इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन मिलेंगे कि ऑड मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म होता है एन प्लस वन, तो अगर n इवन है तो ये पक्की बात है कि n प्लस वन ऑड होगा, बात क्लियर है कि नहीं। अगर n की वैल्यू 3 है तो टोटल 4 टर्म मिलेंगे, अगर n की वैल्यू 4 है तो टोटल 5 टर्म मिलेंगे, तो यहाँ पर n इवन है तो 4 है तो 5 टर्म मिलेंगे। ऑड टर्म का हमेशा एक ही मिडिल टर्म होता है, जैसे ऑड नंबर ऑफ टर्म है 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, ये 3 वाला। जब n की वैल्यू मैंने 4 रखी तो टोटल टर्म 5 मिले,
टोटल टर्म कितने मिले, 5, और 5 का हो 7 का हो, हमेशा ऑड वाले का एक मिडिल टर्म होता है, तो ये तो हम डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमें कभी फार्मूला चाहिए हो तो हमारा फार्मूला होता है मिडिल टर्म इक्वल टू एन बाई टू प्लस वनथ टर्म, चाहे कितना भी बड़ा हो हम सबका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमें फार्मूला चाहिए, तो मिडिल टर्म का फार्मूला होता है एन बाई टू प्लस वनथ। देखो यहाँ एन की वैल्यू 4 रख के देखो, जैसे ही तुम एन की वैल्यू 4 रख के देखोगे तो 4 बाई 2 2 हो गया, और 2 प्लस 1 यानी कौन सा टर्म हो गया, तो एन बाई टू प्लस वन यानी थर्ड टर्म हो गया। तो हमेशा जो ऑड टर्म होते हैं उनका हमेशा एक ही मिडिल टर्म होता है। अगर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, तो मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू जो है 8 ले ली, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टर्म मिलेंगे। 9 टर्म में देख लो, ये 5th वाला टर्म होगा क्योंकि 4 इधर से गायब और 4 उधर से गायब, तो देख लो फॉर्मूले में रख के देखो, तो 8 बाई 2 प्लस 1 है तो टर्म होगा कि नहीं, तो इसका मतलब कौन सा टर्म हो गया, 5th टर्म हो गया T5। ठीक है बच्चों, तो मिडिल टर्म के लिए ये फार्मूला होता है, लेकिन हमें तो डायरेक्ट भी पता है हम कैसे निकालते हैं। केस सेकंड, अगर एन की वैल्यू जो है वो ऑड हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन हो जाएंगे, क्योंकि एन प्लस वन होगा तो ये इवन हो जाएगा। इवन के हमेशा 2 मिडिल टर्म होते हैं, ये नहीं बोलते कि इवन का मिडिल टर्म ही नहीं होता, इवन के हमेशा 2 मिडिल टर्म होते हैं। जैसे मान लिया एन की वैल्यू मैंने 3 रख दिया, तो एन की वैल्यू 3 रखा तो कितने आए, 1 2 3 4 टर्म आ गए, तो हम बोलेंगे कि भाई ये भी मिडिल टर्म है, सेकेंड टर्म भी मिडिल है और थर्ड टर्म भी मिडिल है, तो इवन के हमेशा 2 मिडिल टर्म होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है मिडिल टर्म का वो होता है मिडिल टर्म इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन टू एथ टर्म एंड एन प्लस 3 अपॉन 2 एथ टर्म, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा मिडिल टर्म का। चाहो तो अपने इस फॉर्मूले से ऊपर चेक कर सकते हो, एन की वैल्यू जरा 3 रख के देखो, तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 एथ यानी कितना हुआ, 4, तो सेकेंड टर्म हुआ, और यहाँ पर जब 3 रखोगे तो 3 प्लस 3 अपॉन 2 तो 6 अपॉन 2 तो थर्ड टर्म, तो ये सेकेंड टर्म मिल गया और ये थर्ड टर्म मिल गया। तो कितना भी बड़ा हो, एन की वैल्यू 5 रख लिया तो टोटल 6 टर्म मिल जाएंगे। हम तो डायरेक्ट ही निकालेंगे, हमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला तब के लिए है जब ऑब्जेक्टिव में यही पूछ ही लिया जाए कि फार्मूला क्या होगा एन के टर्म में, तो फिर हमें ये याद होना चाहिए। 5 है तो 6 टर्म होंगे, तो 6 में 3rd वाला मिडिल होगा और 4th वाला मिडिल होगा, रख के देख लिया 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 और 5 प्लस 3 8 बाई 2 4। तो एक क्वेश्चन इसका भी लिख लेते हैं मिडिल टर्म निकालने का। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस बी एक्स की होल पावर 12। एन की वैल्यू जो है वो इवन है, तो अब आप बताइए इसका आंसर विद न्यूमेरिकल वैल्यू बताना है, आंसर क्या होगा, सी के टर्म में जवाब नहीं देना है।
एन की वैल्यू 12 है तो टोटल 13 टर्म होंगे, अब 13 के बीच वाला टर्म नहीं पता चलेगा हमको डायरेक्ट, हमें फॉर्मूला देखने की ज़रूरत नहीं है। 13 में 6 इधर से गए, 6 उधर से गए, 12 का मिडिल टर्म हमें पता है कि 6 होता है, सॉरी 13 का, 13 का कौन सा होगा, देखो 6 वाला होगा कि 7 वाला होगा, ये चेक करो, 6 इधर से जाएंगे 6 उधर से जाएंगे तो कौन सा टर्म आएगा, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी। और फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है, वैसे फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मिडिल टर्म हमारा हो जाएगा 7 टर्म, फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 प्लस 1th टर्म, तो ये 7 टर्म निकालना है, मीन्स T7, T7 का मतलब T6 प्लस 1। अब TR प्लस 1 वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, जनरल टर्म का जो होता है 925 ए टू द पावर 6 बी टू द पावर 6, वेरी गुड, सही आंसर है ये। टी आर प्लस वन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, उसी में बार बार यही फार्मूला हमारे काम आने वाला है और कुछ नहीं करना है। टी आर प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी आर रखो, फर्स्ट वाले की पावर एन माइनस आर और सेकेंड वाले की पावर आर, तो एन की जगह पे 12 है, आर की जगह पे कितना, ये दिख नहीं रहा आर प्लस वन है, टी आर प्लस वन, तो आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 12C6, फर्स्ट वाले की पावर, फर्स्ट वाला है ए अपॉन एक्स, इसकी होल पावर एन माइनस आर, तो 12 माइनस 6, और दूसरा वाला बी एक्स है उसकी होल पावर आर, आर की वैल्यू 6, तो 12C6 ए टू द पावर 6 अपॉन एक्स टू द पावर 6 बी टू द पावर 6 और एक्स टू द पावर 6, ये कट हो गया और 12C6 924 हो गया, ए टू द पावर 6 बी टू द पावर, तो ये मिडिल टर्म आ गया हमारा। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये तो था तब के लिए जब ऑड है, एक इवन का भी कर लेते हैं, उसमें दो मिडिल टर्म आएंगे। अब यहाँ पर पावर इवन थी तो ऑड हो गया, अब एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जिसमें पावर ऑड होगी तो उसमें इवन आ जाएंगे। थ्री माइनस एक्स क्यूब बाई 6 होल पावर 7, इसका मिडिल टर्म बताना है क्या होगा, फाइंड मिडिल टर्म। सेवन है तो टोटल 8 टर्म होंगे, 8 के बीच का टर्म हमें बहुत आराम से हम बता सकते हैं कि 8 के बीच में कौन सा टर्म आएगा जो मिडिल होगा। ए प्लस बी की होल पावर एन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी
ए की वैल्यू माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स, एन की वैल्यू 7, टोटल 7 है अगर होल पावर में, तो 8 टर्म आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टर्म हमने लिख दिए यहाँ पर 1 से लेके 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा आता है, जो भी पावर होती है उससे एक ज़्यादा, तो मिड का टर्म हमें निकालना है, तो पीछे से हमने 3 गायब किए, आगे से 3 गायब किए, तो ये दो मिडिल टर्म बनेंगे नहीं, फोर्थ और फिफ्थ टर्म बताना है हमको, तो इसका मतलब T4 निकालना है और T5 निकालना है, यही दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, 315 x^6/24, 24 3 से कट हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5, तो फोर्थ टर्म बताना है, फोर्थ टर्म का मतलब हो गया T3+1, तो R की वैल्यू क्या पुट करनी है, 3, R की जगह पहले 3 पुट कर दो, तो फॉर्मूला पहले मैं एक बार लिख देता हूँ TR+1 का, NCR फर्स्ट वाले की पावर N-R और सेकेंड वाले की पावर R, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, T3+1 NCR, N की वैल्यू कितनी है 7, C3 फर्स्ट वाले की पावर N-R, तो 7-3, सेकेंड वाला है x³/6, उसकी होल पावर R, तो पहली बात तो यहाँ माइनस भी आएगा, एक माइनस भी तो आएगा, -1 की पावर 3 हो रही है, तो 7C3 3^4 और माइनस को बाहर लगा देते हैं, -1 की पावर 3 और x^9 हो जाएगा और अपॉन 6^9, बस इसी को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, -7C3 3^4, 6 को 2^9 और 3^9 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 6 हो जाएगा, इसी को जब आप सॉल्व करेंगे, हाँ जी बताइए, 6^3 होगा 9, ओके ओके बिल्कुल सही बात है आपकी, 6 की पावर 9 कहाँ से आ जाएगा भाई, 6^3, और सर मेरे आंसर में, हाँ जी मेरे आंसर में भी 8/9 आएगा, क्या कह रहे हैं, x^9 आएगा मेरे आंसर में, 315, हाँ 315 x^6 नहीं 9 होगा, बिल्कुल सही है, यहाँ पर 7C3 हो जाएगा, 3^4 और 6^3 है, तो ये 3^3 और 2^3 में ब्रेक करके इसको कट कर देते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू कट हो जाएगी, तो माइनस का 105 आएगा, -105 अपॉन 8 x^9, ये पहला आंसर हमारा हो जाएगा, मैच कर रहा बच्चों सभी का, और दूसरा हमें कौन सा टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, तो ये हमारा फर्स्ट मिडिल टर्म हो जाएगा, सेकेंड हमें फिफ्थ टर्म चाहिए, तो इसको लिखेंगे अपन 4+1 NCR फर्स्ट वाले की पावर N-R सेकेंड वाले की पावर R, तो ये हो जाएगा 7C4 3^7-4 3, -1 की पावर 4 तो 4 प्लस हो जाएगा, और x^12 और 6^4, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, 7C4 3^3 और 6^4 को 3^4 और 2^4 और x^12, ओके तो बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, 35 x^12 अपॉन 48, हाँ बिल्कुल सही है, x^12 आएगा,
तो ये आंसर आ जाएगा 35/48 एक्स टू द पावर 12। कैलकुलेशन आपके सर पर है, आप सॉल्व करें उसको। तो ये हो गया मिडिल टर्म। एक हेडिंग और लिख लेते हैं, पीएथ टर्म फ्रॉम एंड या लास्ट। लास्ट से जब हमको सेवन टर्म निकालना हो, अभी तक हम शुरू से निकाल रहे हैं, सेवन टर्म, एट टर्म, नाइन टर्म। अब वो कहेगा कि लास्ट से सेवन टर्म निकालो। बात समझिएगा जरा, यहाँ पर तो क्या करेंगे, कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं होगा। सीधे सीधे हम क्या करेंगे, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है, क्वेश्चन है हमारा फाइंड, सीधे क्वेश्चन करते हैं तो आइडिया हो जाएगा। फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड लास्ट से फोर्थ टर्म निकालना है इन द एक्सपेंशन ऑफ, और एक्सपेंशन दिया है एक्स क्यूब बाई टू माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर होल पावर सेवन। अब देखिए इसका मेथड क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। जब भी हमें स्टार्टिंग से निकालना होता है फोर टर्म, तो हम लाइन से इसको एक्स लेट कर लेते हैं और इसको ए, या इसको ए और इसको बी लेट कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो ए प्लस बी की होल पावर एन का हमने फार्मूला भी लिखा था ना, एन सी जीरो ए टू द पावर एन, एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी, एन सी टू ए टू द पावर एन माइनस टू बी। जब भी कभी लास्ट से बोलेगा कि सेवन टर्म निकालो, सिक्स टर्म निकालो, फोर टर्म निकालो, तो हम लास्ट वाले में क्या करेंगे, इसका हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जैसे यहाँ पर ए प्लस बी की होल पावर एन है, ये गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, ए को बी की पोजीशन पर रख देंगे और बी को ए को, और फिर वही फार्मूला लगा देंगे जो जनरल टर्म का होता है टी आर प्लस वन का, यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। बस बी को रिप्लेस कर देंगे ए से और ए को रिप्लेस कर देंगे बी से, और कुछ फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो हमने क्या किया, जब हमें लास्ट से निकालना है और विथ साइन, ये ध्यान रखना कि विथ साइन रखना है, टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन टू होल पावर सेवन, इसी का जनरल टर्म निकाल देते हैं। और हमें कौन सा टर्म निकालना है, फोर्थ, तो फोर्थ का मतलब हो गया टी थ्री प्लस वन। तो जब भी कभी लास्ट से निकालना होगा तो हम ए की पोजीशन की जगह पर बी को रख देंगे और बी की पोजीशन की जगह पर ए को रख देंगे, और ऑटोमेटिकली वही टर्म आ जाएगा जो लास्ट से हमको टर्म निकालना होगा। तो अब यहाँ पर फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या फार्मूला होता है, एन सी आर, तो सेवन सी आर फर्स्ट वाले की होल पावर एन माइनस आर और सेकेंड वाले की होल पावर आर, आर की वैल्यू कितनी है 3। तो बिल्कुल सही है, 70x आ गया आंसर, 7c3 माइनस 2 टू द पावर 7 माइनस 3, और एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर 7 माइनस 3 4, तो एक्स टू द पावर 8 हो गया, ये एक्स टू द पावर 9 और 2 टू द पावर 3 हो गया। तो 7c3 ये 2 टू द पावर 3 4 से कट हो जाएगा, तो 2 बचेगा एक केवल, और x बचेगा x टू द पावर 9 और 8 को कट कर देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो एक पावर बच जाएगी, और 7c3 35 होता है, तो 35 टू ज़ा 70x आंसर आ गया। तो लास्ट से अगर हमें कभी कोई टर्म निकालना पड़े तो फिर हमारे पास यही लॉजिक होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लास्ट से कोई भी टर्म निकालना होगा तो हम निकाल देंगे।
एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या हेडिंग लिख लो यहाँ पे, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम एक्स, इंडिपेंडेंट टर्म ऐसे लिख लेते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म कि इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालेंगे। इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब है कि एक्स उसमें नहीं होना चाहिए, तो एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, एक्स की पावर जीरो होनी चाहिए। क्वेश्चन एक लिखते हैं इसका भी, फाइंड इंडिपेंडेंट टर्म, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3/2x² -1/3x होल पावर 9। इसका इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है। तो देखो मैं बता देता हूँ इसको जल्दी से, कि जनरल टर्म पहले हम लिखेंगे, फॉर्मूला जनरल टर्म का लगा देंगे, क्या होगा, NCR फर्स्ट वाले की होल पावर n-r और सेकेंड वाले की होल पावर r। ये तो बार बार लगाते लगाते अब तक याद हो गया होगा। तो अब हम यहाँ पर इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, जितने भी नंबर है उनको अलग निकाल लेते हैं, एक्स की पावर को अलग कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की पावर 9-r है, तो 18-2r हो जाएगी, -1/3 की पावर r और एक्स की पावर -r। तो इनको ज़रा कंबाइंड कर लेते हैं, 9CR 3/2 to the power 9-r -1/3 to the power r, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 18-2r और एक ये r है, तो 18-3r, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने बोला है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होना चाहिए, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एक्स की पावर क्या होनी चाहिए, जीरो। तो बस यहाँ पर हमें क्या काम करना है कि इंडिपेंडेंट टर्म जब बोलेगा तो सारी एक्स की पावर को एक साथ कलेक्ट करना है और उसकी वैल्यू क्या पुट कर देनी है, जीरो। तो यहाँ पर 18-3r इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुट इंडिपेंडेंट टर्म के लिए 18-3r की वैल्यू जीरो, r की वैल्यू 6 आ गई। अब r की वैल्यू 6 इसी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, पुट आर इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। तो क्या बन गया, आर प्लस 1। अगर वो हमसे कहता कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, तो कौन सा टर्म होता, 7 टर्म, आंसर हो जाता कि 7 टर्म इंडिपेंडेंट है। ये नहीं बोलते कि 6 है, क्योंकि आर प्लस 1 टर्म होता है ना, तो 7 टर्म इंडिपेंडेंट है। और उसकी वैल्यू अगर निकालनी हो तो 9C6 3/2 की होल पावर 9-6 -1/3 to the power 6 और एक्स की पावर तो ऑटोमेटिकली जीरो होना ही होना है, क्योंकि वो तो हम पहले ही पुट कर चुके हैं। 9 factorial 6 factorial 3 factorial 3 to the power 3 2 to the power 3 और 1/3 to the power 6, क्योंकि माइनस की पावर तो, और ये तो 1 हो गया। तो बस इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, 9 factorial upon 6 factorial 3 factorial 3 to the power 3, तो नीचे कट हो जाएगा, तो 2 to the power 3 into 3 to the power, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, 7/18। तो इंडिपेंडेंट टर्म की बात जब वो कहेगा तो फिर हम ऐसे ही करेंगे, इंडिपेंडेंट टर्म कहेगा तो हम ऐसे ही निकालेंगे, जब कहेगा कि इंडिपेंडेंट टर्म बताओ, तो हम एक्स की सारी पावर को एक साथ कलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। इसी तरह का मेथड जब वो कहेगा ना कि एक्स की पावर 12 बताओ, जैसे एक क्वेश्चन है एक्स की पावर 12 बताओ, तो हम वही पूरा प्रोसेस यही करने वाले हैं, एक्स की सारी पावर को कलेक्ट करेंगे और जहाँ हमने एक्स की पावर को ज़ीरो किया था वहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 12। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो फिर अगले टर्न पे बात करेंगे। मेथड पूरा का पूरा सेम है, फाइंड द कोफिशेंट ऑफ x टू द पावर 9
इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² - 1/x होल पावर 20। क्या करना पड़ेगा, पूरा मेथड सेम है, एक्स की सारी पावर कलेक्ट करेंगे और उसको किसकी इक्वल कर देंगे, 9 के। जैसे 9 की इक्वल करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी और आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो एक बार आप इसको ट्राई करेंगे, तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी करने हैं। तो इंडिपेंडेंट टर्म, कोफिशेंट ऑफ एक्स, जनरल टर्म, ये सारा कुछ हम निकालना सीख चुके हैं। तो इसका आंसर आ रहा है 0, लिख लेंगे आंसर 0 है, क्योंकि आर की वैल्यू जो है ना, आर की कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी। जैसे मान लो आर की कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, कोई फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आर की, 3/4 आ गई, तो क्या 3/4 पॉसिबल है क्या? तो फ्रैक्शन वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट नहीं होगा। यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो आर की कोई फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, और अगर फ्रैक्शन वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब कोई भी टर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी सब में एक्स आएगा ही आएगा। तो बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। नहीं, 28/3 नहीं होगा, इसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि इंडिपेंडेंट टर्म इसमें 0 है। नो सर, आर इक्वल टू 28/3। हाँ अच्छा, आर की वैल्यू 28/3। ओके ओके, तो अगर आर की वैल्यू 28/3 आ गई, इसका मतलब आर की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आर तो हमने इंटीजर पढ़ा, एन भी इंटीजर है। तो फिर हम लिख देंगे कि नो इंडिपेंडेंट टर्म, तो इसमें कोई ना कोई एक्स का टर्म जरूर बचेगा, इंडिपेंडेंट टर्म नहीं होंगे। ओके, तो ठीक है, आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करेंगे।